करण जौहर को ट्रोल तो सोशल मीडिया यूजर्स हर दिन करते ही हैं, पर उनको रोस्ट कुछ कम ही लोग कर पाते हैं, और वो भी स्टाइल से। और उन कुछ ही लोगों में हैं बॉलीवुड के परफेक्शनिस्ट आमिर खान। सो दिस एपिसोड एक्चुअली इसका नाम होना चाहिए रोस्टिंग एंड ओनली रोस्टिंग। सो इट्स कॉफी टाइम गाइज। आ गया है अब कॉफी विद करण का फिफ्थ एपिसोड, जिसमें गेस्ट बनकर आए हैं लाल सिंह चड्ढा के लीड एक्टर्स, या बोलूं लीड स्टार्स, आमिर खान एंड द गॉसिप क्वीन ऑफ बॉलीवुड करीना कपूर खान। चलो करते हैं अब इसका भी रिव्यू, लेकिन उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को पहले ही लाइक कर दो, क्योंकि वीडियो एज यूजुअल बढ़िया ही होगा ना यार। तो ये एपिसोड शुरू होता है जहां करीना आती है इन ऑल ब्लैक क्लासी आउटफिट में, एंड आमिर हैज डॉन्ड ऑल सिंपल लुक, जहां पर करण जौहर उनको बोलते हैं कि क्या आपको कॉफी विद करण का मेमो नहीं मिला, जिस पर वो बोलते हैं कि मैं कंफर्टेबल रहता हूं यार। तो बातें तो बहुत होती हैं इस एपिसोड में, और इनफैक्ट वही होती है क्योंकि गेम्स में ना कुछ खास मजा नहीं आया इस बार, जिस पर मैं बाद में बात करने वाली हूँ फिलहाल। लेकिन हाँ, इस एपिसोड में आमिर खान की एक्स वाइफ्स को लेकर भी काफी डिस्कशन हुआ है कि कैसे उन्होंने अपनी एक्स वाइफ्स के साथ आज भी रिलेशनशिप मेंटेन किया हुआ है। तो वहीं करीना कपूर क्यों नहीं थी लाल सिंह चड्ढा की फर्स्ट चॉइस, उस पर भी बड़ी तसल्ली से बातें हुई है। अब वो क्यों नहीं थी लाल सिंह चड्ढा की फर्स्ट चॉइस, ये आप खुद ही देख लेना एपिसोड में। बट हाँ, आई वॉज क्वाइट सरप्राइज कि लाल सिंह चड्ढा का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया था, और हाँ उसके राइट्स को लेकर डिस्कशन शुरू हो गई थी 10-12 साल पहले। इतना पुराना है ये। और एक और सरप्राइजिंग बात पता चली यहाँ पर कि करीना कपूर ने एक्चुअली में इस फिल्म के लिए स्क्रीन टेस्ट दिया था, जिसे सुनकर हमारे साथ साथ करण जौहर भी शॉक थे। बट या आमिर खान ने करा लिया यार। अच्छा बाय नो कि आजकल उनकी फिल्म लाल सिंह चड्ढा को बॉयकॉट करने की बातें चल रही हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो इस एपिसोड में उस पर बात नहीं कर सकते थे क्योंकि शूट इसका बहुत पहले हुआ होगा ना। पर हाँ, क्यों साउथ की फिल्म्स चल रही हैं और क्यों आमिर खान की फिल्में हमेशा से ही सबसे अलग रही हैं, इस पर भी आमिर खान और करण जौहर ने अच्छे से बातचीत करी, जहां करण जौहर ने करीना को कहा कि आपको तो इन सबसे फर्क ही नहीं पड़ता है कि कैसी फिल्में चले कैसी फिल्में नहीं चले। इस पर करीना के सपोर्ट में आ जाते हैं उनके दोस्त और को स्टार आमिर खान। एंड बाय द वे, इस एपिसोड में जो भी बोलो यार, आमिर वॉज इन एक्चुअल फॉर्म, क्योंकि उन्होंने हर जगह जमकर किया है करण जौहर को रोस्ट, जहां करण जौहर के पास ऑब्वियसली कोई जवाब ही नहीं होता था। फिर करीना कई बार इस एपिसोड में बोलती हुई नजर आती हैं कि तुम ऐसे ही आमिर खान को बोरिंग कह रहे थे, ही इज ऑन फायर टुडे, विच ही एक्चुअली वॉज, आई ट्रूली अग्री। अब यहाँ पर आमिर खान ने अपनी लाइफ के रिग्रेट्स पर भी बातें करी हैं और बताया कि कैसे उन्होंने हमेशा अपनी फिल्म्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है अपनी फैमिली से, जिस बात का उन्हें आज भी रिग्रेट है। और वही करीना कपूर से भी करण जौहर ने बात करी कि कैसे वो सारा अली खान और इब्राहिम अली खान के साथ इतनी कंफर्टेबल रहती हैं। अच्छा, तो आपको याद ही होगा वो वाला एपिसोड जहां पर सारा अली खान और जानवी कपूर आए थे, एंड बहुत सारे लोगों को लगा था कि करण जौहर थे बायस टुवर्ड्स जानवी कपूर। मुझे नहीं, बट काफी सारे लोगों को लगा था। और उस एपिसोड के बारे में भी यहाँ पर करण जौहर ने कहीं ना कहीं रिएक्ट कर दिया है करीना कपूर के सामने। अच्छा, इसमें एक न्यू सेगमेंट भी आया है बाय द वे इस एपिसोड में, जहां पर उनको कुछ क्यू कार्ड्स उठाने होते हैं और अलग अलग अजीब अजीब से क्वेश्चंस के आंसर्स देने होते हैं एक दूसरे को लेकर। लाइक करीना को आमिर की कौन सी हैबिट सबसे अनोइंग लगती है, फैशन सेंस को भी उनको बाय द वे रेट करना था आमिर खान के। उसी के साथ साथ करीना यहाँ आमिर खान को ये भी कहती हैं कि कैसे वो अपनी फिल्में 100-200 दिनों में ख़त्म करते हैं, उनका शूट, और वहीं पर अक्षय कुमार करते हैं अपनी फिल्म 30 दिन के अंदर ख़त्म, जिसको सुनकर आमिर खान हो जाते हैं बहुत ही हैरान, और वो करण जौहर से कहते हैं कि यार ये वहाँ भी चली गई, लाइक जैसे नॉर्मल फ्रेंड्स बोलते हैं वैसे। देन आता है रैपिड फायर राउंड, जो ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया इस बार। आई रियली थिंक दैट दे बोथ प्लेड वेरी सेफ देयर। इवन करण जौहर ने तक इस बार बोल दिया दैट दिस इज द वर्स्ट एवर रैपिड फायर राउंड। बस यहाँ भी मुझे एक ही बात पर हंसी आई, जहाँ पर करण जौहर करीना से कुछ सेक्स लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, वहाँ पर करीना कपूर उनका जवाब भी देती हैं, लेकिन उसी के साथ साथ आमिर खान करण को बोलते हैं कि क्या करण की मॉम को कोई प्रॉब्लम नहीं है उनकी औरों की सेक्स लाइफ टीवी पर डिस्कस करने से, इनफैक्ट OTT पर डिस्कस करने से, जिस पर करण जौहर बहुत हंसते हैं और हम लोग भी खुल खुल कर हंसते हैं। फिर आता है द बजर राउंड, जिसमें दोनों एक्टर्स की बॉलीवुड और फिल्म्स की नॉलेज को चेक किया जाता है और कुछ जेनरिक क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, लाइक 3 स्ट्रीट फूड स्नैक्स या फिर 3 क्रिकेटर्स के नाम बताओ टाइप, एंड ये भी कुछ खास नहीं था। अब ओवरऑल यार, अगर मैं इस एपिसोड की बात करूँ तो मुझे कुछ बहुत अच्छा नहीं लगा, बस हाँ आमिर खान ने जो रोस्टिंग करी है ना करण जौहर की, उसे देख कर ना सीरियसली बहुत मज़ा आया, इट वॉज एक्चुअली वेरी फनी। जैसे कहीं आमिर खान ने करण जौहर से बोला दैट यू आर ऑलवेज बायस्ड, या तुम अपने शो पर लोगों को रुला देते हो, और ये भी बोला कि करण जौहर तो आज बकवास ही कर रहे हैं।
बाकी अब आप जाओ और एपिसोड को देखो और मुझे कमेंट सेक्शन में याद से बताना कि आपको इस एपिसोड का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा मजेदार लगा, क्योंकि मैं भी देखूंगी कि क्या वो मुझे लगा था या नहीं लगा था। लेकिन हाँ, बताना जरूर हाँ, और मैं आपसे मिलूंगी अगले रिव्यू में जो ऑलरेडी इन प्रोसेस है। सो दैट्स अ गुड न्यूज फॉर यू। अभी वीडियो को जल्दी से लाइक करो और जल्दी से सबसे शेयर कर दो। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज सोनाक्षी कालरा साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।